इनका पहले पेशेंट लेके आए थे, उसको कुछ तकलीफ होती थी, क्या परेशानी हुई थी पेशेंट को? वो बहुत ही 11 साल से परेशान थे, बहुत दूर दूर बताए, हर जगह बताए, इलाज नहीं हुआ कहीं भी। थोड़े दिन मतलब 2-4 महीने के लिए ठीक होता था और फिर डबल से आता था। फिर ऐसी परेशान हो गए, हम भरोसा छूट गया था हमारा ये सब चीज़ों से। तो फिर हम आपका वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो उसको आप सर्च करें, आपका कॉन्टेक्ट देखना बोले। फिर उसके बाद में समझ भी नहीं आया कुछ, मतलब उसमें आपके आपके बारे में आपके खिलाफ भी कुछ वीडियो मिले कि ऐसे ही बाबा ये ही वो है, फिर कुछ अच्छे भी मिले। फिर अब हैदराबाद के वो जो केस हुए, तो फिर अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम बोले अच्छे तो बुरे तो एक बार जाके देखेंगे मौलाना का हजरत का। फिर आए, आने के बाद में पहले जो फर्स्ट टाइम में आए, हम हमको यकीन नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कुछ होगा, मतलब यहाँ का माहौल देख के कि देखिए तो सही करिए, उनके दिल से यकीन रखे मौलाना के ऊपर। रखने के बाद में पहले ट्रिप आए, कुछ असर दिखते गया, मतलब अभी आंगने आता था बहुत ज़्यादा, तो वो आता था हमेशा। फिर उसके बाद में दूसरे ट्रिप में भी आया, फिर तीसरी ट्रिप में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जैसे हम एक लाश को लेके बैठे थे। आज अल्लाह का करम है और मौलाना का बहुत बड़ा एहसान है, जो जिस घर में समझो एक मैयत होने वाली थी, तो आज वो बच्ची का माशाल्लाह रिश्ता हो गया, शादी भी है। बस आप आइए। इससे पहले भी कुछ मारा गया उन्होंने घर से, इससे पहले कुछ मारा? हाँ, इससे पहले एक लड़की की जान भी गई, जब मतलब बहुत आज से एक 12 साल पहले। तो अब ये बच्ची की जान लेने वाला था। हाँ, तो मतलब उसका कुछ ये नहीं, उतना कुछ सोचे नहीं कि वो आसरात का ऐसी तबीयत खराब थी गई ऐसा समझे, लेकिन बाद में जैसा वक्त गया वैसा मालूम होते गया। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है सब हो गया। और ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम के लिए, हिंदू सिख ईसाई सब अपने एससी समाज जो भी हैं मौलाना का आ सकते हैं, उनसे फैज पा सकते हैं। बस शर्त ये है कि इनके ऊपर दिलो जान से अकीदा करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो और इन्हें जो जो बात बताएं उस पर अमल करो, इंशाल्लाह आपका भी परेशानी हल हो जाएंगी। आपको ये भी कन्फ्यूजन होगी कि आप मौलाना खुद से बोलने लगा रहे, लेकिन मैं हूँ बहुत दूर का मौलाना यहाँ के, तो भरोसा भी एक चीज़ है, पैसे भी लगेंगे नहीं लगेंगे। आप समझो आप एक हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ता है, इतने पैसे लगते, तो आप रहो ना रहो कुछ भी करके पैसे लाते, तो ये भी वैसे ही समझ के भरोसा करके करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में है तो ऊपर वाले कर्म से मौलाना के इससे। कहाँ से आए थे आप लोग, कौन से? हम हैदराबाद से मौलाना। अच्छा जी, अच्छा आधे में कैमरा मार लिया हम काम करते हैं। अब मेरे तरफ इनका कहने का जो कंक्लूजन है वो बता रहा हूँ उनकी बातों का, कि उनका ये कहना है कि उन इससे पहले बहुत तरफ गए, बहुत सारी जगहों पर गए, इलाज करे हर जगह गए, ऐसा रहता कि तुम कितने भी दरों पर जाओ कहीं पर भी जाओ ओरिजिनल इलाज करने वाले बहुत कम बैठे आले दुनिया के अंदर, बाकी तो तुम आप सब पैसे लेके लुभाड़ के लूट के खा के तबाही बर्बादी लगा देने वाले तो जगह जगह बैठे वाले जिनको आता कुछ नहीं। वैसे इन्होंने मेरे वीडियो बहुत सारे सर्च करे तो उनको बहुत सारे वो वाले भी वीडियो मिलेगी जो वाले वीडियो में हैदराबाद का प्रकरण हुआ था, एक्स वाई जेड जो भी दास्तान हुई थी, तो वो भी तो वीडियो में उन न्यूज़ वालों ने बहुत सारे बेबुनियाद बुरे बातें करे वाले, तो वो देखकर उनका माइंड हो गया कि जैसा जाना के नहीं जाना, गए तो वहाँ होता कि नहीं इलाज, लेकिन वो फिर भी आए क्योंकि अल्लाह को उनको फैज देना था, यहाँ अल्लाह ने बराबर भेजा। और जिसको अल्लाह को फैज नहीं देने का रहता उन्हें दर पे आके अंदर नहीं आ सकता, उन्हें रिटर्न वापस हो जाता बाहर से बाहर। ये खुदा की कुदरत है कि यहाँ पर ये दर से अगर अल्लाह फैज जारी करा रहा और तुमको अगर वो फैज में डुबकी मार के नहीं निकालने का, वो फैज जो बाहरी वो दरिया उसका जाम तुमको नोश नहीं कराना है, तो अल्लाह तुमको यहाँ आने के बाद भी तुमको अंदर नहीं आने देता, अंदर आने का तुमको शर्फ हासिल नहीं होने देता, बाहर का बाहर रिटर्न करा देता। ये खुदा की कुदरत है, बहुत सारे परेशान आके भी चले गए जिनको फैज नहीं मिलना है, तो अंदर आए नहीं, बाहर का बाहर इनको शैतानों ने भगा के लेके चले गए। बाद में शैतानों ने जब उनको मारे तो उनके घर के लोग भी बहुत सारे आके मेरे सामने बयान भी कर दिया अपन। खैर इनका ऐसा कहना था, इन्होंने फिर देखे वीडियो, देखने के बाद आए भरोसा करके, आने के बाद चलो देखेंगे तो सही इनके पेशेंट के आंग में जो भी बला आती थी, तो जैसे जैसे आना चालू करे, जैसे जैसे हमारी स्टार्ट हुई अल्लाह करम से उसको भी बला खत्म होते होते अल्लाह के फजल करम से बात हुई, तीसरे चक्कर तक पूरा फसम हुआ जो भी है दास्तान।
फिर उन्होंने उसके बाद में उन्होंने ऐसा अभी उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे जगहों पर गए, कहीं फैज नहीं मिला, फैज यहाँ से अल्लाह ने दिया और बाकी हमने तो एक रुपया भी नहीं लिए, जो भी सामान था अपना अपना दुकान से खरीद के लाओ, घर पे ले जाओ, घर पे अमल करो। ये बात जहन नशीन कर लेना कि मैं किसी से एक रुपया नहीं लेता। दुनिया के लोगों, तुम खुद मोहताज है अल्लाह के और अल्लाह वालों के, तो तुम्हार से क्या मांगेंगे? मोहताज से और नंगे और भूखे इंसान से कोई क्या पैसा मांगेगा? क्या तुम्हार से हम तो एक रुपया लेते भी नहीं और तुमसे मांगते भी नहीं। देने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह से मांगेंगे ना? और तो हम क्यों तुमसे लेंगे? क्योंकि अल्लाह ने हमको बेनियाज बना के बैठा लाया, हमारे हाथ से पूरी दुनिया को ये दर से फैज पहुंचा रहा, तो हम तुमसे क्या मांग सकेंगे और क्या उम्मीद रख सकेंगे? इस पे से तुम अंदाजा लगा लो। बाकी जो भी तुम्हारा, तुमको जो भी मेडिकल सामान निकलता, वो अपना अपना दुकान से खरीद के लाना, अपना अपना घर को ले जाना और घर पे अमल करना। बाकी मेरा काम है पढ़ना, पढ़ के हुक्म देना, ये सब राइट कराना अल्लाह के फजल करम से। फिर मैंने उनको जैसा बताया उन घर पे जाके उस अमल करे, अल्लाह ने उनको फैज दिया। फैज देने के बाद में आखिरकार, इससे पहले भी उन्होंने बयान करे उसके अंदर सुनो, उनका कहना है कि 12 साल पहले उनके घर की बच्ची को मारा, फिर उसके बाद में दूसरी की मुद्दत थी, दूसरी की भी लाश जान निकालने वाला था, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अल्लाह ने इस दर्ज पे पहुंचाया, फिर फैज दे के मुकम्मल तौर पर उनको शिफाए कामिल अता फरमाया। ये खुदा की कुदरत है। और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे? अल्लाह ने सारे दास्तान, सारे बातें और सब कुछ बयान तुम्हारे को पहले ही कर दिया और पहले ही सब बता दिया कि वलिया क्या है, औलिया, अब्दाल, खुतूब, इन सब को रख के इनके थ्रो दुनिया का निजाम चलाता अल्लाह, और इनको कैसी ताकतें अता कर लिए, कैसी दास्तानें दिया लिए, वो तो तुमको तफसीरों में पढ़ लो, पता चल जाएगा। नहीं तो मेरे बहुत सारे वीडियो भी देखो, उसमें भी तुमको पता चलेगा कि कलाम इलाही के मौजजात क्या रहते। अल्लाह कुरान में फरमाता सूरह मरियम के अंदर कि मौजजात जो दिखते वो अल्लाह के हुक्म से दिखते, मौजजात और जो चमत्कार है, तो ये चमत्कार कोई डायरेक्ट नहीं दिखा सकता। जो तुमको डायरेक्ट अगर दिखा रहा तो वो जादूगर है, वो हमें से नहीं है। और मौजजात जो दिखते वो अल्लाह के हुक्म से दिखते। ईसा अलैहि सलाम मट्टी की चिड़िया बनाते थे और उसको फूंक मारते थे तो उसमें जान आ जाती थी और उड़ के चले जाती थी। आप मुर्दे को बोलते थे कि कुम बेज़निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा उठ के बैठ जाता था। अल्लाह फरमाता हमने उस कुमारी माँ के बेटे को कैसी ताकत दिए थे देखे, तो ये सब कि कहाँ से आते थे ताकतें, कहाँ से ये मौजजात है? ये मौजजात डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म से होते। अल्लाह फरमाता कि कोई पैगंबर, कोई अल्लाह का वली खुद होके मौजजा नहीं दिखा सकता। अगर खुद होके मौजजा दिखाएगा तो फिर उसकी बुत परस्ती होना चालू हो जाएंगे ना। तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे राज है, तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारे जहन के अंदर, दिमाग के अंदर बैठेंगे। खैर, उनको अल्लाह ने कैसा फैज दिया और उनको फैज कैसा पहुंचा, उनकी जबानी तुमने सब सुन लिए। और दूसरी बात क्या बोलते, तो मैं बार बार सब लोगों को यही बोलता हूँ कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। मजबूती से अगर इबादत की रस्सी को थामेंगे तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बन जाएंगी। और अगर तुम मनमानी करेंगे, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। वो इस्लाम के अंदर वो शख्स को जाहिल नहीं बोले अल्लाह, जो अनपढ़ है, जो अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड जो आलिम है, आलिम ने अगर जानकर भी अनजाना बन रहा, जानकर भी बोल रहा कि मैं नहीं मानूंगा, तो उसको जाहिल बोले अल्लाह इस्लाम ने। यानी कि तुम पढ़े लिखे होते हुए तुम बोलेंगे हम ये बातों को नहीं मानेंगे तो फिर तुम जाहिल है, और तुम जाहिल है तो तुम भी ऐसी मार पड़ेंगी, क्योंकि मार तो तुम्हारा खुदा ईश्वर अल्लाह नहीं मारेगा, वो तुम्हारे आमाल तुम्हारा ले जाकर परेशान कर देंगे। क्योंकि जो तुम पे जादू चलेगा और तुम बोलेंगे हम ये बातों को मानते नहीं, हम जादू रहता मानते नहीं, तो किसका क्या जाने वाला है? तुम धीरे 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 पूरा घसर जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, पूरे रस्ते लग जाएंगे तुम्हारे, जब जाना जाने की नौबत देंगे, जब फिर तुमको पता चलेगा कि वाकई में जादू भी है, वाकई में शैतान भी है, जिन्नात भी है, हर चीज है, अल्लाह ने हर चीज रखी अली फरमा दिया ना, जिन और इंस हमने दोनों इबादत के लिए पैदा किए थे अल्लाह ने फरमाया। ये सब बातें हैं। खैर, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये दर दरे मुस्तफ़ा के गुलामों का दर है, यहाँ से तुमको फैज नहीं मिला तो कहाँ से मिलेगा? आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो ये आले रसूलों का अल्लाह ने आज भी ऐसे रुतबे उनके रखे ले कि आज भी उनके दर से पूरी दुनिया को फैज पहुँचाता। ये मैंने कोई बहुत बड़े इल्म और अमलियात नहीं सीखे आले है, ये कुदरत के तरफ से अता हुए वाली दास्तान है। जो खून शरीर में जो दौड़ता वो इमाम हसन और हुसैन का है, तो उनके खून का अदब है वो, जिन्नात और शैतान भी तादब करते। ये नस्ल है, ये बुलेट लाइन जिसको बोलते हैं ना, आज देख लो दुनिया वालों अपनी आंखों से चमत्कार और मौजजा। तुम जिन्नात, शैतान, चुड़ैल, भूत ताबे में लेने के वास्ते, एक लेने के वास्ते पूरी जिंदगी
जादू टोनों में इबादतों में उसमें बढ़ने में डाल देते छिल्ले खुशियों में, मगर तुम्हारे को कहीं से कोई चीज मिलती नहीं, कुछ हासिल नहीं होता। और अगर हासिल हो भी गा तो उसको एक पल के अंदर मेरे सामने ला के चकना चूर कर देते। तुम्हारी जिंदगी भर का मेहनत, घमंड, तकब्बुर जो था वो जिन्ना शैतान जो भी तुमने ताबई लिया ला देवी देव जो भी होंगे मेरे सामने आते ही चकना चूर कर देते उसको। तो ये जो ताकत है, तो ये मैंने कोई अमल अमलिया था जिक्र अस्कारा करके छिल्ले खशियां करके नहीं ले ली वाली है, मैं सिर्फ इबादत करा, इबादत 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 खालिस इबादत अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते। इतनी इबादत करा मैंने इतनी कि 5 साल तो मैं नजर बंद होगा था बाद में कमरे के अंदर, टोटल 14 साल इबादत करा मैंने। फिर उसके बाद अल्लाह ने ऐसी ताकत बना के निकाला बाहर कि तो आज पूरा वर्ल्ड और आज पूरी दुनिया देख के तुम्हारे दिमाग हैरान है कि तुम्हारे बड़े बड़े साइंसदान बड़े बड़े डॉक्टर लोग बोलते कि है क्या ये थोड़ा कैसा नहीं पता कैसा चल रहा है सब बातें देखो मेरे सामने आके रिसर्च करते तो कितने परेशान है सब कैमरे के पीछे तुम क्या मालूम कितने बड़े बड़े लोग खड़े आ रहते हैं कितनी दास्तान बड़े बड़े डॉक्टर्स और सब चेक करने के लिए देख रहे और उनका भी अक्ल बाद में काम नहीं करती उन्होंने भी घुटने टेक देते उन्होंने बोलते सही में कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही। तुम्हारी हैसियत ना तुम्हारी औकात नहीं है पूरे दुनिया। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया कि ए लोगो तुम जिसकी बुत परस्ती करते वो बुतों को जाके बोलो और वो लोगों को बोलो कि पूरे दुनिया के एक जगह हो जाओ और एक जगह होके तुम एक मक्खी का पर बना के बताओ। मक्खी तो छोड़ दो, एक मक्खी का पर बना सकते तुम बना के बताओ, नहीं बना सकते। कैसा खुदा ने रचना रची कैसे हजारों कैसे कैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे सेल्स और हजारों करोड़ों क्या क्या बिठा दिया है तुम्हारे क्या मन। जब तुम रिसर्च करो तो तुमको पता चलेगा ये खुदा की कुदरत है और खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है कि वो हर चीज पे अल्लाह कादिर है और बेजान पे भी हुकूमत करता जानदार पे भी हुकूमत करता। तो मैंने कोई स्वास्थ्य इबादत नहीं करता मेरे को जिन्नात मिल जाए शैतान मिल जाए, मैंने सिर्फ अल्लाह के लॉ में इबादत करा था और वो मुझ में राजना और मैं तुझे में राजना तू मुझसे राजी हो जा मैं तेरे सजदों में खो जाऊंगा। तो वैसी इबादतें चली तो बाद में उसके बाद अल्लाह ने जो भी है जैसा भी है क्या बना के निकाला क्या दास्तान बनी वो मैंने पूरी दुनिया को बता दिया और बोल दिया मैं कल को अगर ऐसा यूट्यूब का जमाना नहीं रहता था वीडियो का दौर नहीं रहता था और मैं तुम्हारे को बैठ के अगर खिताब देता था मिंबर पे चढ़ के और ये बोलता था कि मैंने इतने शैताना निकाल दिया मैंने इतने जिन्नातों को जला दिया मैंने इतने खबीसों को मार दिया जिन्नात मेरे सामने पनाह मांगते शैतान मेरे सामने पनाह मांगता अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकतें दिया तो तुम लोग मानते नहीं थे। तुम बोलते थे कि मिंबर पे बैठ के झूठ बात कर रहे हो मिंबर के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हैं इनको शर्म नहीं आ रही तुम्हारी सच बोलते थे आधा तुम्हारा दिल दिमाग मानता था और आधा दिल दिमाग तुम्हारा नहीं मानता था। ये यूट्यूब का ये मोबाइल का ये कैमरे का दौर है बोल के तुमको पता चला कि वाकई में कि हाँ आज तुम्हारे पूरी दुनिया मिलके भी बोलेंगे कि टीपू सुल्तान को इलाज नहीं आता कोई शैतान उससे नहीं डरता कोई जिन्नात उससे नहीं डरता तो तुम बोलेंगे बावला बना रहा हूँ आपको मियाँ क्योंकि पागल समझा उनका ने तो हमने हमारे आंखों से देखे वीडियो में कि शैतान और जिन्नात पनाह मांगते उनके सामने जैसा इंसान शैतान और जिन्नात से पनाह मांगता अल्लाह की वैसा अल्लाह वालों का दर ऐसा भी रहता बहुत सारे अल्लाह ने ऐसे भी चुने रहते बंदे कि जिसके दर पे हाजिर होते शैतान और जिन्नात पनाह मांगते जैसा तुम्हारी पैंट इंसानों की गिल्ली हो जाती जिन्नात और शैतान का और जादू टोने का नाम लेते वैसा जादू टोने के सामने मेरा नाम लेते जिसकी पैंट गिल्ली होती। ये रुतबा ये मर्तबा की अल्लाह ने दिया क्यों दिया उसकी कुरान उसकी इबादत खालिस पड़ा मैंने इबादत करा उसके एवज में उसके सदक़े में जो भी अल्लाह ने मुझे अता किया जो भी चुना और उस तरीके से काम लिया। और ये खून जो है ये घराना जो है ये आले रसूल औलादे अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का खून है इमाम हसन इमाम हुसैन का इसलिए पूरी दुनिया के जिन्नात और शैतान उनके नस्ल की आज भी उनके नस्ल का एहतराम बहुत ज्यादा और अदब करते। सारे मेरे वीडियो के अंदर बहुत सारे वीडियो देख लो जिसमें मुस्लिम जिन्नातों के बादशाहों ने तक आके बोले कि तुम किसके घराने के चिराग हो कौन तुम्हारे पीछे पूरा घराना। जिन्नात और शैतान को तुम अगर एक मामूली गाली भी दे दिए ना तो तुम्हारे घर में घुस के बदला लेते तुम्हारे मारते देख लो। तुम्हारे अगर देखना है तो कोई भी जिन्नात या कोई भी शैतान या कोई भी इंसान बदरू जो रोड पे मरिया उसको गाली दो उसका नाम लेके एक सर या 3-4 बार 7 बार सतो तुम्हारे घर पे आके बदला लेता बरोबर मारता। और यहाँ बदला लेने की क्यों न सुनते हैं गिड़गिड़ाते क्यों क्योंकि यहाँ पर पूरा घराने की शक्ल एक है यहाँ से कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक जाती वो सब बयान करती है उसके अंदर इंसान की इतनी वो नहीं है कि शैतान को जाकर डायरेक्ट छेड़ लिए जिन्नात को खबीस को बलाओं को ऐसी जगह घेर के मारते जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े उलमाओं को भी मारे उन्होंने बड़े बड़े मई बोलने वालों को भी मारे उन्होंने रिकॉर्डों में जरा देख लो पढ़ो तफसीर में पता चलेगा। लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल से शकील जुड़े आई है जिसकी जो उसके अल्लाह और उसके रसूल के रस्सी को मजबूती से थामने आला है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने चुने आला है तुम उसको क्या मिटा सकते हो क्या बिगाड़ सकते हो उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पूरी दुनिया मिलके भी जिसको गिराना चाहिए और उसको अल्लाह उठाना चाहो तो उसको कोई नहीं गिरा सकता और अल्लाह जिसको गिराना चाहो उसको पूरी दुनिया मिलके भी नहीं उठा सकती। ये खुदा की कुदरत है और कुदरत ने सब बता दिया कि दास्तान है तुमको और मैं क्या बयान करूँ मेरे मुँह से मैं तुमको बार बार अभी इससे पहले भी बोला कि यूट्यूब और अगर मीडिया का दौर
सोशल मीडिया का दौर, कैमरे का दौर नहीं रहता था तो तुमको एक भी मेरा वीडियो बने वाला नहीं रहता था, और मैं तुमको बाद में से बातें करता था, मैंने हजारों लोगों को राइट कर दिया, मैंने लाखों लोगों के जाना बचा दिया, मैंने ऐसा शैतान को मारा, वैसा जिन्नात को मारा, तो तुम लोग यकीन कर सकते थे क्या? तुम बोलते थे यकीनन ये झूठ बोल रहे, यकीनन झूठ बोल रहे, क्योंकि इंसान की अक्ल की खास बात है, इंसान के दिल और दिमाग की, जब तक उन्हें कोई चीज को देखता नहीं जब तक मानता नहीं। और दूसरी बात, जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे, क्योंकि अल्लाह ने मौजजात बताया, ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, मेरी क्या कोई हैसियत, मेरी क्या कोई दास्तान है जो मैं तुम्हारे को बता सकूँ, जिन्ना को से ये सब अल्लाह फौजी, अल्लाह ने दिया हिसाबत है, और अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया और हर जगह फरमा दिया और हदीस कुद्दूस में फरमा दिया कि मेरे वलियों से जरी भी, मेरे वलियों के बारे में तुम जरा भी बुरा सोचते लोगों तो सोच रहे हो तुम्हारे घर से यकीनन लाशें उठेंगी, क्योंकि अल्लाह तुम्हारा दुश्मन होगा ना फिर, और तुमने अल्लाह से दुश्मनी ले ली और तुम अल्लाह से दुश्मनी लेके कहाँ जाके बचेंगे, कौन तुमको बचेगा? दुनिया का कानून कायदा, दुनिया की फोर्स, दुनिया की आर्मी कोई नहीं बचा सकती तुम्हारा, कोई नहीं, अगर अल्लाह तुम्हारा मुखालिफ होगा और अल्लाह तुम्हारा दुश्मन होगा। और अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे वलियों के वास्ते जरी सी बोझ रखते अपने दिल में तो खुले जंग का ऐलान करता अल्लाह तुम्हारे साथ, फरमा वाला, अब जाओ कैसा लड़ते फिर तुम अल्लाह से, कैसा बचते देख लिए। तो बोला था ना मैंने कि तुम्हारे घर से लाशा उठेंगे, कैसी लाशा निकले, कैसे उठे बिना मौत, कैसे मगर मौत के मरे तुम? यकीनन अल्लाह ने मौत से पहले मौत रखी है, हराम मौत भी है, शहादत की मौत भी है, और तुम्हारी वक्त से पहले मौत भी खींच ली जाएंगी तुम्हारी जान, वो हराम मौतों में बहुत सारे अलग अलग मौत है। तुम जाके सांप बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे तो यकीनन फिर वो सांप तुम्हारे घर तक आके काटेगा, भले ही मैं तुम्हारे को कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे हक में दुआ कर दूंगा ठीक है, मगर मेरे पास जो ताकतें दी अली अल्लाह ने, जो दृश्य ताकतें, जो जकड़ लो बोले तो जकड़ते, जो मारो बोले तो मारते, जो लड़ाओ बोले तो लड़ाते, ना वो कैमरे में दिखते, ना मुझे दिखते, ना तुमको दिखते, किसी को नजर आते के सामने नहीं आ रहे मगर बरोबर मार रहे, वो ताकतें कैसा बर्दाश्त करेंगे तुम? उसके बादशाह को सहमत देने की कोशिश करेंगे, उसके बादशाह पे झूठे कैसा तोहमत करने की लादने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हारे घर में घुस के लाशें निकालते ना उन्हें, ऐसा तुम्हारे घर में उसके लाश निकाले, खयामत तक तुम्हारे घर में वबाओं को घेर लिया जाएगा, जब तक तुम आके नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेंगे, जब तक तुम्हारे यहाँ से क्या बोलते तो सारी तुम्हारी खैर बरकत उड़ा दी जाएंगी, तुम्हारा सुकून बेसुकून कर दिया जाएगा, तुम कहाँ जाके सुकून ढूंढेंगे? तुम अल्लाह से जंग करके अल्लाह की दुनिया में रहकर सुकून ढूंढना चाहिए, कहाँ से सुकून मिलेगा तुमको? ये सब बातें, बहुत सारे दास्तानें हैं, मामूली जादूगर से तुम नहीं खेल सकते और खेल के बच नहीं सकते तो तुम अल्लाह वालों से और अल्लाह से कहाँ से खेल के बच सकते हो? तुम अकल के अंदर बेवकूफ हो, कौन सी दरगाह, कोई बुजुर्गान दीन, कोई वली तुमको नहीं बचा सकता, तुमको मरना है और हलाक होना है, और कैसे हलाक हो रहे तुम लोग? वैसे ही तरीके से हलाक होंगे सब, एक एक से टप 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 तुम्हारे जानेंगे। अब देखो कौन सी आर्मी, कौन सी मिलिट्री, कौन सा कानून कायदा, कौन से तुम्हारी जान बचाता देखेंगे, जहां शरीयत के कानून कायदे की मोहर लग गई, तुमको वबाओं में घिर के मार लेंगे तो बरोबर तुमको मरना ही पड़ेगा, यकीनन कोई तुम्हारा फिर नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह। अब फिर अल्लाह को कैसे राजी करते? अल्लाह ने बता दिया ना, एक बार नाराज होगा तो फिर कैसा राजी होगा? क्या कर सकते, क्या करो राजी? ये सब बहुत सारे बातें हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और इनकी जो दास्तान थी इनका इलाज हो गया, इनके वीडियो भी नेट पे, तो इनका होने के बाद इन्होंने आए और इन तुम्हारा बता रहे थे वो दास्तान कि कैसा हुआ, क्या हुआ तफसील में। तुम लोगों का भी रिक्वायरमेंट था ना कि वीडियो होने के बाद भी किसी के इलाज का डालो, कैसा रहता, फर्क हुआ क्या, फर्क हुआ तो पूछ लो उनके जबानी, तो ऐसी दास्तान करते हैं। जो भी सामान रहता लोग अपना अपना दुकान मेडिकल खरीद के लाना, अपना अपना घर पे ले जाना, घर पे अमल करना, हम किसी का एक रुपया लेते नहीं और किसी का क्या बोलते तो वो करते नहीं, हम एक रुपये का भी जिम्मेदारी, वो अपना अपना दुकान से परचेस करना, जो भी तुम लेंगे मेडिकल से, एक भी दवाई गोली खरीद के लेंगे वो सब घर को ले जाकर घर पे अमल करना, हमारा क्या है कि फिर उसमें अकल के अंदर ऐसी बातें रहती है। खैर क्या बोलूँगा, क्या बयान करूँ, बस इतना ही बोलूँगा कि मेरे इतने इल्मों से नवाजे वाला अल्लाह ने क्या इल्म नहीं दिया, उन्होंने आखिरी हद का इल्म रखा शैतान और जिन्नात निकालने का, दुनिया में बहुत कम है शैतान और जिन्नात निकालने वाले, वो आखिरी हद का इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है। अब इस पे से तुम अंदाजा लगा लो, वो जो इल्म रहते वो कौन से इल्म, मियां बीबी में तलाक करा देना, झगड़े करा देना, कैंसर लगाना, बीमारी लगाना, किसी की बीमारी दूसरे पे डालना, तबाही बर्बादी लगा देना, घरों को बर्बाद कर देना, वो घरों में खुलेआम शैतान नचाना, हर वो चीज करना, वो तो बचपन में खेलता था मैं उन लोगों से, मगर मैंने किसी को नाहक परेशान नहीं करा, उतने अमल देते हुए भी स्वास्थ्य तो अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप दर्जात बुलंद करते गया। पहले उन्होंने सारे इल्म दे के देखा कि ये इल्म का मिसयूज करता क्या नहीं, उसका मिसयूज नहीं करता, अल्लाह को भी मालूम है ना खुद, क्योंकि हाँ हक पे जब शरीयत ने इजाजत दे दी तो फिर छोड़ने का हुक्म नहीं था, फिर बरोबर तुम्हारे को गर्व करना पड़ता, बरोबर तुम्हारे को हलाक कराना पड़ता घेर के वबाओं में, अगर नहीं कराए तो फिर उसकी भी पूछ होती,
तुम्हारे पास पावर दिया था तो पावर का यूज क्यों नहीं करे बोल के पूछ होती। तो इसलिए तुम आप फिर मजबूरन उनको वार मारना पड़ता जब शरीयत की मोहर लगी तो। और शरीयत की मोहर कहाँ लगती, जब तुम अल्लाह वालों के रास्ते में आके कांटे डालने की कोशिश करे कि मिल गया फरमान मिटा दो बोल के, फिर ऐसे बुरे तरीके से मिटाते तुम्हारे को, एक झटके में नहीं मार देते, एक झटके में मारने वाले तुम्हारे जिनके घरों में से उठाए ना लाशा देख लिया ना, एक झटके में कैसी लाशा उठाए तुम, ऑटोमेटिक कैसा मरे क्या मरे, डॉक्टर ने बोले हार्ट आया मालूम नहीं मरेगा खत्म होगा, तो ऐसा रहता। और बाकी जिनको मारना उनको सबको एक एक से मारेंगे, वैसा नहीं मारते उनको, धीरे धीरे सड़ेंगे गलेंगे तबाह बर्बाद करेंगे, उनको दुनिया की परेशानियां बताएंगे वबाएं बताएंगे, उसके बाद उनको हलाक करेंगे लास्ट में, मौत मौत को तरस जाना उसके बाद, यानी कि तिल तिल जीते जी उनको मौत का नजारे बताना, उसको बोलते फिर अमलियात की मार। ऐसी रीति बहुत सारे दास्तान है बहुत सारी बातें। और तुम अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे, अपने हाथों से तुम अपने पे आजाब डाल रहे, अल्लाह तुमको आजाब नहीं देता, अल्लाह वाले तुमको आजाब नहीं देते, तुम्हारे आमाल रहते, तुम्हारे आमाल है ये जो तुमको ले जाके टकराते हैं, तुमको हलाक करके बर्बाद कर देते। अना पना शैतान ने रोए जमीन का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां अल्लाह को सजदा नहीं करा था, सजदे करने की वजह से उसके मुकामात बुलंद हुए और इतना बुलंद हुआ कि 70,000 फरिश्ते उसको झुल्ला देते थे, 70 कई सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। बाद में उन्होंने कैसा हुआ फिर उसके आमाल ने उसको क्या करे मलून का लकब दिलाए बदबख्त, और उसके आमाल ने सुजमीन ब्लैक शैतान बना के फेंगे। तो तुम भी यकीनन उसके साथियां हो जाएंगे, नफसी नफसी करेंगे, तो जो ना मांगे सीख वो मांगे दर दर भीख, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे।